गरुड़ पुराण के आचार कांड में नीति सार निरूपण। सूत जी ने कहा, आपत्ति काल के लिए धन का संरक्षण करना चाहिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए धन का उपयोग करना चाहिए एवं अपनी रक्षा में स्त्री एवं धन दोनों का उपयोग करना चाहिए। कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, जनपद के हित के लिए ग्राम का और अपने वास्तविक कल्याण के लिए पृथ्वी का भी परित्याग कर देना चाहिए। नरक में निवास करना अच्छा है किंतु दुष्चरित्र व्यक्ति के घर में निवास करना उचित नहीं है। नरकवास के कारण पाप विनिष्ट हो जाता है किंतु दुष्चरित्र व्यक्ति के घर में निवास करने से पाप की निवृत्ति नहीं होती। बुद्धिमान पुरुष एक पांव को स्थिर करके ही दूसरे पांव को आगे बढ़ाता है, इसलिए अगले स्थान की परीक्षा के बिना पूर्व स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए। दुष्ट जनों से व्याप्त देश, उपद्रव ग्रस्त निवास भूमि, कृपण राजा तथा मायावी मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। कंजूस के हाथ में पहुंचे हुए धन, अत्यंत दुष्ट और आग्री व्यक्ति के पास संचित ज्ञान, गुण एवं प्राकर्म से रहित रूप तथा आपत्ति काल में प्रांग मुख मित्र से मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है। जो पदासीन अर्थात अधिकार युक्त व्यक्ति है उसके कभी ना देखे गए बहुत से व्यक्ति भी सहायक हो जाते हैं और सभी व्यक्ति मित्र हो जाते हैं, परंतु जब वही व्यक्ति पदच्युत हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है, तो उसके अस्मे में स्वजन भी शत्रु हो जाते हैं। आपातकाल में मित्र, युद्ध में वीर, एकांत स्थान में शुचिता, विभव के क्षीण हो जाने पर पत्नी तथा दुर्भिक्ष के समय अतिथि प्रियता की पहचान होती। पक्षीगण फल रहित वृक्षों का परित्याग कर देते हैं, सारस पक्षी सूखे हुए सरोवर को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, वैश्याएं धन से रहित होने पर पुरुष को छोड़ देती हैं, मंत्री भ्रष्ट राजा का त्याग कर देते हैं, भोरे बासी पुष्प को त्याग कर नव विकसित कुसुम पर चले जाते हैं और मृग जले हुए वन का परित्याग करके अन्यत्र आश्रय लेते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि स्वार्थवशी सभी प्राणी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वास्तव में कौन किसका प्रिय है? अर्थ प्रदान के द्वारा लोभी मनुष्य को, कर भद्र परिणाम निवेदन से उदार चिता व्यक्ति को, प्रशंसा करने से मूर्ख व्यक्ति को और तात्विक चर्चा से विद्वान पुरुष को संतुष्ट किया जा सकता है। सद्भाव रखने से देवगण, संजन वृंद एवं दी जाति संतुष्ट होते हैं। इनके अतिरिक्त साधारण लोग खान पान तथा पंडित जन मान सम्मान से संतुष्ट हो जाते हैं। प्रणिपात निवेदन से उत्तम प्रकृति वाले सज्जन पुरुष को, भेद नीति से धूर्त को तथा अपनी अपेक्षा कम प्रकर्म वाले व्यक्ति को थोड़ा बहुत देकर और अपने समान प्रकर्म वाले को अपनी अपेक्षा के अनुकूल धन देकर वश में किया जा सकता है। जिसका जैसा स्वभाव हो उसके अनुरूप वैसा ही प्रिय वचन बोलते हुए उसके हृदय में प्रवेश करके चतुर व्यक्ति को यथाशीघ्र से अपना बना लेना चाहिए। नदी, नख तथा श्रृंग धारण करने वाले पशु, हाथ में शस्त्र धारण किए हुए पुरुष, स्त्री और राज परिवार विश्वास करने योग्य नहीं होते। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसको अपनी धन क्षति, मन संताप, घर में हुए दुष्चरित्र, वंचना तथा अपमान की घटना को दूसरे के समक्ष प्रकाशित नहीं करना चाहिए। नीच और दुर्जन व्यक्ति का सानिध्य, अत्यंत विरह तथा सम्मान, दूसरे के प्रति स्नेह एवं दूसरों के घर में निवास, ये सभी नारी के उत्तम शील को नष्ट करने वाले हैं। किसके कुल में दोष नहीं है, रोग से कौन पीड़ित नहीं है, कौन दुखी नहीं है,
और किसकी धन संपत्तियां सदैव विद्यमान रही हैं। इस पृथ्वी पर धन प्राप्त कर कौन अहंकार से भरा नहीं है, किस पर विपत्तियां आई नहीं हैं, स्त्रियों के द्वारा किसका मन शुद्ध नहीं किया गया है और राजाओं का कौन प्रिय रहा है, कौन काल कवलित नहीं हुआ है, किस याचक का स्वाभिमान नष्ट नहीं हुआ है, कौन दुर्जन के जाल में फंसकर कुशल पूर्वक जीवन यापन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। जिस मनुष्य के मित्र सजन बंधु बांधव नहीं है, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, वह कैसे अपने जीवन में सफल हो सकता है, और जिस कर्म के संपन्न होने पर भी फल का उदय नहीं दिख रहा है, उस कर्म के अनुष्ठान से क्या लाभ। ऐसे ही जो संपत्ति परिमाण में बहुत दुख देने वाली है, उसका संग्रह कौन बुद्धिमान व्यक्ति करेगा। जिस देश में व्यक्ति को सम्मान नहीं मिले, आदर भी नहीं मिले, अपने बंधु बांधव भी सुलभ ना हो और विद्या लाभ की भी संभावना नहीं बनती हो, उस देश का परित्याग कर देना चाहिए। जिस धन के लिए राजा और चोर से भय नहीं है, जो धन मरने पर भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, उसे धन का उपार्जन करना चाहिए। प्राणों को भी संकट में डाल देने वाले परिश्रम से जिस धन का अर्जन किया जाता है, उस धन को तो उत्तराधिकारी लोग यथोचित विभाग के साथ अपने काम में ले लेते हैं, परंतु प्राणों को संकट में डालकर धन अर्जन के लिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति धन के लोभ में जिन पापों को करता है, वे पाप ही उसकी धरोहर बनकर उसकी नरक यातना के अथवा कुत्सित योनि के कारण बन जाते हैं। संचित किया हुआ तथा बार बार विचार करके सुरक्षित रखा हुआ कृपण का धन चूहे के द्वारा एकत्रित किए गए धन के तुल्य है। ऐसा धन दुख देने के योग्य होता है, उपार्जन कर्ता को उससे कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मात्र धन अर्जन का कष्टी भोगता है। ऐसे ही व्यक्ति जन्मांतर में दरिद्र होने के कारण नग्न होकर अनेक प्रकार के व्यसन से त्रस्त होकर रूखे स्वभाव वाले हो जाते हैं तथा हाथ में खप्पर लेकर घर घर भीख मांगते हैं, और ये लोगों को बताते हैं कि दान ना देने वाले को ऐसे ही फल मिलता है। ऐसे भिक्षुक कुछ दीजिए कुछ दीजिए, ऐसे बार बार याचना करते हुए संसार को यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि दान ना देने वाले मनुष्य की यही दशा होती है। आपकी भी मेरी जैसी दुर्दशा ना हो, इसलिए आपको दान देना चाहिए। कृपण अपने द्वारा संचित धन यज्ञों में नहीं लगा पाता है और अपने द्वारा मांगकर इकट्ठा किए धन को गुणमानों को भी नहीं देता है। इस प्रकार का कृपण के द्वारा सुरक्षित धन चोर और राजा के काम में ही आता है। कृपण का धन देवता ब्राह्मण बंधु तथा आत्महित के लिए नहीं होता है, वह तो अग्नि चोर अथवा राजा के लिए होता है। अत्यंत कष्ट से अर्जित किया गया धन, धर्म का अतिक्रमण करके अर्जित किया गया धन, अथवा शत्रु को साष्टांग प्रणाम करके और उसकी अधीनता स्वीकार करके प्राप्त किया गया धन, इस प्रकार का धन तुझे कभी प्राप्त ना हो। विद्या का अभ्यास ना करने से वह विनिष्ठ हो जाती है। शक्ति रहते हुए फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्रों को धारण करने वाली स्त्रियां सौभाग्य की रक्षा नहीं कर पाती। सुपाच्य भोजन से रोग नष्ट हो जाता है और चातुर्यपूर्ण नीति से शत्रु का विनाश हो जाता है। चोर का वध ही उसका दंड है। दुष्ट मित्र के लिए समुचित दंड उसके साथ अल्प वार्तालाप करना है। स्त्रियों का दंड उनसे पृथक शैया पर शयन करना तथा ब्राह्मण के लिए दंड निमंत्रण ना देना है। दुर्जन शिल्पकार दास तथा दुष्ट एवं ढोलक आदि वाद्य और स्त्री आदि सम्यक अनुशासन से ही मृदु स्वभाव को प्राप्त करते हैं।
ये सत्कार मात्र से मृदु स्वभाव वाले नहीं हो पाते। कार्य में संलग्न करने से भृत्य, दुख होने पर बंधु बांधव, विपत्ति काल में मित्र तथा ऐश्वर्य के नष्ट होने पर स्त्री के स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार दुगुना, बुद्धि चौगुनी, कार्य की क्षमता 6 गुनी और काम वासना 8 गुनी अधिक मानी गई है। स्वप्न से निद्रा को नहीं जीता जा सकता, काम वासना से स्त्री पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, ईंधन से अग्नि को तृप्त नहीं किया जा सकता तथा मध्य से प्यास नहीं बुझाई जा सकती। मांस युक्त स्निग्ध भोजन, नाना प्रकार की मद्राओं का पान, सुगंधित द्रव्य पदार्थों का विलेपन, सुंदर वस्त्र और सुवासित माल्य आभरण, ये स्त्रियों की काम वासना की अभिवृद्धि करते हैं। जैसे लड़कियों के अधिक से अधिक ढेर को प्राप्त करके भी अग्नि संतुष्ट नहीं होती, नदी समूह के मिलने पर भी समुद्र तृष्णा रहित होकर संतृप्त नहीं होता, यमराज सभी प्राणियों का संहार करके भी आत्म संतुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ है, ऐसे ही नारी असंख्य पुरुषों के साथ संपर्क करके भी संतृप्त नहीं होती। शिष्ट व्यक्ति अभीष्ट सिद्धि, प्रिय वचन, सुख, पुत्र, जीवन और देव गुरु से प्राप्त आशीर्वचन से मनुष्य की इच्छाएं परिपूर्ण नहीं होती। इसके लिए अभिलाषा बढ़ती ही रहती है। धन के संग्रह से राजा, नदियों की जल राशि से समुद्र, संभाषण से विद्वान और राजदर्शन से प्रजा के नेत्र संतुष्ट नहीं हो पाते। अपने विहित कर्म तथा धर्मचरण का पालन करते हुए जीव को उपार्जन में तत्पर, सदैव शास्त्र चिंतन में रत तथा अपनी स्त्री में अनुरक्त, जितेंद्रिय और अतिथि सेवा में निरत श्रेष्ठ पुरुषों को तो घर में भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जिस सत्कर्म निरत पुरुष के पास मनो अनुकूल सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत स्त्री है, यदि वह व्यक्ति उसके साथ अपने भवन की अटारी पर सुखपूर्वक निवास करता है तो उसके लिए यहीं पर स्वर्ग का सुख है। जो स्त्रियां स्वभाव से ही धर्म विद आचरण करने वाली एवं पति के प्रतिकूल व्यवहार रखने वाली, वे स्त्रियां न धन आदि के दान, न सम्मान, न सरल व्यवहार, न सेवा भाव, न शस्त्र भय और न शास्त्र उपदेश से ही अनुकूल की जा सकती हैं, वे तो सदा प्रतिकूल ही रहती हैं। विद्यार्जन, अर्थ संग्रह, पर्वतारोहण, अभीष्ट सिद्धि तथा धर्माचरण, इन 5ों को धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए। देव पूजन आदि कर्म, ब्राह्मण को दान, गुणवती विद्या का संग्रहण तथा सन्नमित्र, ये सदा सहायक होते हैं। जिन्होंने बाल्यकाल से विद्या अर्जन नहीं किया है, जिनके द्वारा युवावस्था में धन और स्त्री की प्राप्ति नहीं की जा सकी है, वे इस संसार में शोक के पात्र हैं और मनुष्य रूप धारण करके पशुवत विचरण करते हुए दुख से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। विद्या के उपासक को अध्ययन काल में भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी को विद्या अर्जन के लिए गरुड़ के समान सुदूर देश को यथाशीघ्र पार कर लेना चाहिए। जो बाल्यावस्था में विद्या अध्ययन नहीं करते और फिर युवावस्था में काममात्र होकर यौवन तथा धन को नष्ट कर देते हैं, वे वृद्धावस्था में चिंता से जलते हुए शिशिर काल में कोहरे से झुलसने वाले कमल के समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं। शुष्क तर्क स्वयं में अप्रतिष्ठित है, अतः किसी सिद्धांत की स्थापना केवल तर्क के द्वारा नहीं हो सकती। श्रुतियां भी अनेक प्रकार की हैं, ऐसा कोई भी ऋषि नहीं है जो भिन्न भिन्न प्रसंगों में विभिन्न सिद्धांतों का निर्देश नहीं करे। इसलिए धर्म का तत्व न तर्कों में निहित है, न श्रुतियों में निहित है, अपितु आप्तों की प्रज्ञा में निहित है। फलतः शिष्ट लोग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसी मार्ग को अपना धर्म समझना चाहिए। आकार,
संकेत, गति, चेष्टा, वाणी, नेत्र और मुख की भाव भंगिमा से प्राणी के अंतःकरण में छिया हुआ भाव प्रकट होता रहता है। विद्वान वह है जो दूसरों के द्वारा अकथित विषय को भी जान लेता है, बुद्धि वह है जो दूसरों के संकेत मात्र से भी वास्तविकता को समझ ले। कथित शब्द का अर्थ तो पशु भी जान लेते हैं, मनुष्य के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण तो हाथी और घोड़े भी करते हैं।